सो लेट स्टार्ट द वेरी न्यू यूनिट विद दिस सेशन यू जी सी नेट की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं पेपर टू सब्जेक्ट कॉमर्स एंड नाउ वी आर ऑन यूनिट सिक्स टिल यूनिट फाइव वी हैव कवर्ड आवर सिलेबस टॉपिक वाइज आई होप द स्टूडेंट हुव कंसिस्टेंटली फॉलोड मी तो उन्होंने अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं यूनिट वन से हमने स्टार्ट किया था अगेन आई एम टेलिंग यू माई डियर स्टूडेंट्स जो यूनिट वन था हमारा दैट वॉज इन माई प्रीवियस चैनल दैट इज लर्न विद निशमन तो वहाँ पर आपको कम्प्लीट सारे सेशन्स मिलेंगे टॉपिक वाइज आपको पूरा सिलेबस मिलेगा यूनिट वन से एंड इन दिस न्यू चैनल क्रैक नेट विद निश्मन में हमने यूनिट टू से अपना सिलेबस स्टार्ट किया था यू जी सी नेट का सब्जेक्ट कॉमर्स का टॉपिक वाइज हमने यूनिट टू को कवर किया दैन थ्री फोर फाइव एंड नाउ टूडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट सिक्स तो ऐसे आपकी प्रिपरेशन सारी कॉन्टिन्यू रहेगी यूनिट सिक्स इज अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट एंड एच आर एम तो आपका टॉपिक है यूनिट सिक्स का दिस एंड टूडेज वी आर गोइंग टू कवर द वर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट दैट इज फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका बेसिकली टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो हम उसमें फ्योल्स और टेलर्स के ही करेंगे तो सबसे पहले हमारा फ़ेल के हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कवर करने वाले हैं दिस इज़ नॉट द न्यू टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बैचलर्स और मास्टर्स और इवन द ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ा हो तो फेअल प्रिंसिपल्स ऑफ़ मैनेजमेंट इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट दैट्स वाई आई टोल्ड यू की यूनिट सिक्स आपके लिए बहुत ईजी रहेगा जो स्टूडेंट्स यूनिट फाइव को लिटिल बिट डिफिकल्ट बता रहे हैं आई नो दैट इज़ लिटिल कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू अदर यूनिट्स तो यूनिट सिक्स वो बहुत ही जल्दी कवर कर देगा आपके सारे प्रॉब्लम्स और डाउट को सो लेट स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले माई डियर स्टूडेंट्स मैनेजमेंट क्या होती है हाउ यू मैनेज योर बिजनेस द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द पीपल द ऑर्गेनाइजेशन द वर्क ऑफ योर बिजनेस इज मैनेजमेंट और इसके रिगार्डिंग ही हमारे जो फादर ऑफ मैनेजमेंट रहे हैंनरी फ्योल ही गेव अ सर्टेन प्रिंसिपल्स कि हमें मैनेजमेंट को किस तरीके से करना चाहिए ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फ़ॉलो करना चाहिए उससे हम मैनेजमेंट की वो हाइट्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं हमने जो ऑलरेडी सोच रखा है थ्रू द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट वी कैन अचीव दोज थिंग्स तो हम कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हर मैनेजर को फॉलो करने चाहिए एंड बेसिकली इन प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो दैट पर्टिकुलर थिंग आपसे कोई नहीं छीन सकता वो ब्यूटी ऑफ मैनेजमेंट आपसे कोई नहीं छीन सकता सो माई डियर स्टूडेंट्स वट इट बेसिकली सेज इज हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल फेल को हम क्या बोलते हैं फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो इनके बारे में थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं क्या थे ये कौन थे ही गेव फोटीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली फोर्टीन प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास नंबर वाइज हम सारे प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करेंगे तो हेनरी फ्योल्ड कौन थे ही ज्वाइन द कंपनी वेन इट वॉज एट द स्टेज ऑफ इंसॉल्वेंसी वो एक ऐसी कंपनी का हिस्सा बने थे अपने टाइम पे जो कंपनी बिल्कुल अपने लोअर पोजीशन पे थी बिल्कुल इंसॉल्वेंट होने वाली थी ख़त्म होने वाली थी बट व्हेन ही रिटायर्ड लेकिन जब उनका रिटायरमेंट का टाइम आया उस कंपनी से दैट कंपनी वाज इन इट्स एक्सीलेंट पोजीशन राइट right. अपनी बिल्कुल एक्सीलेंट कंडीशन में थी और ऊंचाइयों को रही थी वही कंपनी तो उन्होंने उस कंपनी के वो सारे फेजेस देखे हैं लोवेस्ट टू द हाईएस्ट एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड उन्होंने कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फ्रेम किया कि हमें अपने मैनेजमेंट में ये चेंजेस लाने चाहिए अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हम भी अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं सो ही रिकोगग्नाइज द नीड ऑफ़ दिज प्रिंसिपल्स तो माई डियर स्टूडेंट्स आपको ये सारे प्रिंसिपल्स अच्छे से समझने हैं आपके यू जी सी नेट एग्जाम में ये मैच की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं इधर आपके प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं और इधर उनकी एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल्स तो आपको वो मैच करने पड़ते हैं फॉर दिस यू नो एवरी मीनिंग ऑफ दिज प्रिंसिपल्स सो लेट्स दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाई आवर फादर हैंनरी फ्योल द वेरी फर्स्ट इज डिविजन ऑफ वर्क हेनरी फ्योल कहते हैं कि वर्क मस्ट बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एज पर देयर स्पेशलाइजेशन कम्पिटेंस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हमें हर पर्सन को या जितने भी आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक जैसा काम ही नहीं देना चाहिए कि तुम सब यही काम करो तुम बस यही काम करो ठीक है अब एक पर्सन है जो कि बहुत अच्छा क्या कर सकता है पैकेजिंग अच्छी कर सकता है बट आप उसको लेकर जा रहे हो सेल्स डिपार्टमेंट में राइट right? एक पर्सन के अंदर मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं बट आप उससे क्या करवा रहे हो प्रोडक्शन या फिर दिस uh, पैकेजिंग का काम तो दैट थिंग इज वो क्या करती है कि सिचुएशन को क्लमजी कर देती है और आपका वर्क जो रेट ऑफ वर्क डूइंग है वो भी बहुत स्लो डाउन हो जाती है तो दिस इज दैट वर्क जो होना चाहिए वो हमेशा इंडिविजुअल की कैपेसिटी पर देख कर ध्यान करके देना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए वट इज़ द स्पेशलाइजेशन ऑफ दैट पर्सन वो किस चीज़ में बहुत स्पेशलाइज है क्वालिफाइड है कॉम्पिटेंस उसमें किस चीज़ है और पर्टिकुलरली उस पर्सन को क्या काम करने का एक्सपीरियंस है वो क्या काम बहुत अच्छे से कर सकता है तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए द नेक्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या बताता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी

तो आप उस पर्सन से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिमांड कीजिए उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए कि अगर मैं तुम्हें एक काम करने की अथॉरिटी दे रहा हूँ तो तुम इस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे अगर आप कल उनसे आंसर ही नहीं लेते हो सपोज आपने उनसे बस काम दे दिया काम दे के आप उनसे यही नहीं पूछते हो कि शो मी योर ग्रोथ या शो मी योर रिपोर्ट्स शो मी वट यू हैव डन टिल नाउ तो इससे क्या हो जाता है अदर पर्सन इज बाउंड टू आंसर उसको डर रहता है कि हाँ मेरे को एक आंसर देना पड़ेगा और मेरे को काम जल्दी करना है मुझे अच्छे से करना है बट अगर कोई उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेगा उससे आंसर ही नहीं पूछेगा उसकी चेकिंग ही नहीं होगी उससे सुपरविजन ही नहीं होगी दैट पर्सन विल बिकम लिथार्जिक सो दिस से इज दैट दे बोथ गो हैंड इन हैंड अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अथॉरिटी आपने दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो दैट विल मेक इ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वो पर्सन जो इसको भी आपने काम दिया वो इस्पॉन्सिबल हो जाएगा उसको कोई डर ही नहीं होगा वेयर एज अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे रहे हो बट आप उसको लिटल अथॉरिटी तक नहीं दे रहे हो काम करने की पूरी परमिशन नहीं दे रहे हो फ्रीडम नहीं दे रहे हो दैट विल मेक द पर्सन इन इफेक्टिव इनफेक्टिव मीन्स वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेगा और वो आप पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएगा द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ अबाउट डिसिप्लिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होगा प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होंगे वहाँ काम खुद ब खुद बहुत अच्छे से चलेगा वहाँ का इन्वायरमेंट जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन अच्छे से देखने को मिलेंगे स्ट्रिक्टली उनकी अगर फॉलो अप होगा आप स्ट्रिक्टली पूरे इन्वायरमेंट को चेक करोगे तो वहाँ का एन्वायरमेंट खुद ही खुद अच्छा होगा वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से मैनेज करेगी प्रॉपर मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगी डिसिप्लिन को क्या चाहिए डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ डैश एंड पेनल्टीज, गुड अमाउंट ऑफ सुपरविजन एंड पेनल्टीज, सुपरवाइज कीजिए हर चीज को और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको उसके ऊपर चार्जेज पेनल्टीज, पनिशमेंट भी दीजिए आफ्टर देन माई डियर स्टूडेंट्स सेड यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कि सपोज़ कीजिए आपके पास क्या है मैनेजर वन है और उसके अंडर इम्प्लॉयज़ हैं E1, E2, E3 तो E1, E2, E3 को पता होना चाहिए कि हमें जो भी काम मिलेगा वो मैनेजर वन से ही मिलेगा और हमें अपने काम का रिपोर्ट जिसको देनी है वो मैनेजर वन को ही देनी है तो इससे एक इजी फ्ली फ्री फ्लो ऑफ रहेगा एवरी वन नो हु इज टू दे आंसर टू हु इज हु दे आर रिस्पॉन्सिबल टू एंड इफ सपोज कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैनेजर वन है मैनेजर टू है इम्प्लॉयज़ हैं ई वन ई टू ई ई थ्री अब ई टू को काम दे रहा है एम वन बट उसको रिपोर्ट करने जाके एम टू को या एम टू कभी ई वन को काम दे रहा है कभी ई थ्री को दे रहा है इधर से एम वन फिर ई वन को दे रहा है दैट विल मेक लिटिल कॉम्प्लेक्स दैट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली इम्प्लॉज विल नोट नो होम दे हैव टू आंसर होम दे हैव टू टेक ऑर्डर फ्रोम दो तीन मास्टर्स का काम नहीं कर सकता एट द सेम टाइम एम्प्लॉइज शुड रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली एक ही मैनेजर से उनको ऑर्डर मिलना चाहिए टू अवॉयड कन्फ्यूजन किसी भी तरीके की कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए अब सपोज कीजिए एक मैनेजर कह देगा मैंने तो ये करने के लिए बोला था दूसरा कह देगा नहीं मैंने तो वो करने के लिए बोला था यहाँ पर हु विल गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी नो विल गेट दे विल से हमें मैनेजर वन नहीं बोला था मैनेजर टू नहीं बोला था सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन देयर शुड बी वन सुपीरियर ओनली नेक्स्ट माई डियर स्टूडेंट्स वी हैव यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें क्या बताता है दैट देयर शुड बी वन हेड फॉर कैरिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेम ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव को काम करने का एक ही हेड होना चाहिए जैसे प्रोडक्शन हेड एक हो सेल्स हेड एक हो मार्केटिंग हेड एक हो दिस एंश्योर्स वट दिस एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन यहाँ पर जो काम होगा वो एक यूनिटी ऑफ एक्शन सब एक तरीके का, का काम करेंगे एक डिपार्टमेंट में एक ही तरीके का काम हो ये ना हो प्रोडक्शन का जब काम चल रहा है तो वहां पे मार्केटिंग का भी काम चल रहा हो नो सो टू अवॉइड अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क डायरेक्शन शुड बी वन एवरी वन शुड नो कि यहीं से हमें काम मिलेगा का और यहीं पर हमें रिपोर्ट देना है देन द नेक्स्ट इज सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट सब ऑर्डिनेट मीन्स की आपके लिए जनरल इंटरेस्ट पहले मायने रखना चाहिए फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट अगर आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको तो फ़ायदा हो रहा है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई को या मैनेजर को बट अगर आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ऑर्गेनाइजेशन पूरी लॉस में जा रही है या ऑर्गेनाइजेशन को घाटा होगा तो आपको ऐसे कोई भी सिचुएशन या डील में नहीं आना जहाँ पर आपको फ़ायदा है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा नहीं है यू शुड कीप जनरल इंटरेस्ट एट द टॉप देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट खुद लॉस फेस कर लीजिए बट जनरल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा देखकर चलिए तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है

सो लास्ट प्रिंसिपल फॉर टुडे सेशन इज़ अब आपको अगर मैम आप तो बोल रहे थे फोर्टीन प्रिंसिपल्स हैं दैट्स वाई हमने सेवन इस सेशन में डिस्कस किए हैं माई डेयर स्टूडेंट्स द नेक्स्ट सेवन वी विल डिस्कस इन अनदर सेशन ताकि आप कन्फ्यूज ना हो आपको ये कॉम्प्लेक्स ना लगे सारे प्रिंसिपल्स क्योंकि इनको रिवाइज भी करना है सेवेंथ इज रेम्यनोरेशन ऑफ इम्प्लॉयज़ इम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दी जाती है उसके बारे में भी हेनरी फ्योल क्या कहते हैं दैट इम्प्लॉयीज़ शुड बी पेड गवर्नमेंट वेजेस फॉर देयर सर्विसेज employees को एज़ पर गवर्नमेंट वेजेस ही आपको देनी चाहिए ताकि इससे employees भी खुश रहे फेयर रेम्यूनरेशन शुड be डिटरमाइंड एक फ़ेयर method ऑफ पे होना चाहिए किस बेसिस पर आप employees को सैलरी दे रहे हो वो प्रॉपर एक मेथड employees को पता होना चाहिए दैट शुड be बेस्ड ऑन रीज़नेबल रूल्स रिलेटेड टू वेजेस कि हमने एबसेंटीज़ के हम इतने काट देंगे वेजेस जो लोग ज़्यादा एबसेंट रहेंगे या नहीं आएंगे उनके वेजेस कट जाएंगे तो इन सब के बारे में employees को नॉलेज होनी चाहिए फिनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखकर आपको वेजेस सिलेक्ट करनी चाहिए ये नहीं आप वेजेस तो ज़्यादा दे रहे हो बट ऑर्गेनाइजेशन खुद लॉस में जा रही है नेचर ऑफ वर्क देखना चाहिए किस तरीके का वर्क है कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको देखनी चाहिए ऑल दीज थिंग्स शुड बी टेकन इन माइंड वाइल डिसाइडिंग द वेज रेट सो आई होप ऑल दीज सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको अच्छे से समझ में आए हैं द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट सिक्स वी कवर टूडे एंड विद दिस वी विल कॉन्टिन्यू आवर सिलेबस Topic wise of unit 6. I hope you enjoyed this session. Stay tuned for the next one. And yes, don't forget to see the PDF of this session that is available on Telegram. And don't forget to subscribe. Thank you.